न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गुंडई के बल पर नहीं हो सकता छात्र संघ का चुनाव, गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री ने व्यक्त किया अपनी प्रतिक्रिया। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर विहार कॉलोनी में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, एसएसपी ने कहा पति ने ही किया था अपनी पत्नी की हत्या। गोरखपुर न्यूज से बात करते प्रदेश के सिंचाई तथा प्रभारी मंत्री ने कहा अतिवृष्टि एवं बाढ़ आदि के कारण ढहे मकानों को आवास उपलब्ध कराएगी प्रदेश की योगी सरकार। संभावित बाढ़ के मद्देनजर जिले के प्रभारी तथा प्रदेश के सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक, कहा बचाव राहत कार्य में लापरवाही क्षम्य नहीं। हरियाणा से बिहार जा रही 1,80,000 के अवैध शराब को पुलिस ने किया बरामद, एसएसपी ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक, त्योहारों को शांति पूर्वक संपन्न कराने के दिए निर्देश। 15,000 के दो शातिर इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, एसएसपी ने कहा हत्या लूट जैसे जघन अपराधों में थे वांछित। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सरयू नहर खंड परियोजना संबंधित बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने की छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने की मांग, कहा छात्र संघ चुनाव स्थगित करना अन्य प्रत्याशियों के साथ है अन्याय। छात्र संघ का चुनाव स्थगित होने के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर छात्र संगठनों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन, सुरक्षा के रहे व्यापक प्रबंध। नोडल अधिकारी से बदसलूकी कर पार्षद ने फाड़ा स्वच्छ भारत मिशन का ओडीएफ लिस्ट, नोडल अधिकारियों ने कर विभाग में ताला जड़ किया कार्य बहिष्कार। दिग्विजय नाथ एलटी कॉलेज में आयोजित 7 दिवसीय विशेष व्याख्यान माला का हुआ समापन, वक्ताओं ने महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ द्वारा शैक्षिक क्षेत्र के योगदान पर डाला प्रकाश। जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में 24 से 26 सितंबर तक आयोजित होने वाले जिला खेल क्रीड़ा प्रतियोगिता की तैयारी बैठक हुई संपन्न। और वेतन विसंगति दूर किए जाने और पदोन्नति सहित 9 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ ने दिया धरना, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा गृह आंदोलन।